महामंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम। प्रभु को धन्यवाद दें। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन भावन सुंदर मेरे यीशु का नाम। एक साथ तालियां बजा के नाम लियो रे।
हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आशा व्यर्थ नहीं होती, आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, पवित्र आत्मा प्रदान किया है, और उसके द्वारा ही, और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है, हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज का मिस्सा बलिदान आप सबके लिए अर्पित किया जाता है, विशेष रूप से इन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने व्यक्तिगत निवेदन भेजे हैं आज के इस महापर्व के उपलक्ष पर। जबकि कलीसिया परम पवित्र त्रित्व का पर्व मनाती है, प्रभु आप सभी लोगों को ब्लेस करें और आशीष प्रदान करें। हम प्रार्थना करेंगे बेनेट एरिक किलन की आत्मा की शांति के लिए, फ्रांसिस जेवियर और उनके परिवार को ईश्वर से मिले हुए वरदानों के लिए धन्यवाद देकर, ऑस्कर जोसेफ बेक, आलोक विजय बेक को नशे से छुटकारा मिलने के लिए, रुचिका सोनी बेक का रुका हुआ पैसा वापस मिल जाए इसके लिए हम मिसा में प्रार्थना करेंगे, एंथोनी कुजूर को अच्छा स्वास्थ्य मिले, एलिजाबेथ मिंज की आत्मा को शांति मिले हम प्रार्थना करेंगे, थॉमस करकेटा, स्टीफन करकेटा की आत्मा की शांति के लिए, विकास लकड़ा की तरफ से सभी बेरोजगार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे, अनीमा बारियो और अरविंद मुंद्री की आत्मा की शांति के लिए, अंजलुस कुजूर की आत्मा की शांति के लिए, बेरोनिका कुजूर की आत्मा की शांति के लिए, बलमदीना कुजूर की आत्मा की शांति के लिए, अनुप्रीति तिग्गा को संपूर्ण चंगाई मिले, सिमोन सुरिन की आत्मा को शांति मिले, और अमाया अमित मकवान का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, राकेश तिर्की और परिवार को महामारी से छुटकारा मिला धन्यवाद देते हैं, यूजिन मॉरिस खालखो, माइकल खालखो, क्रिस्टोफर जोसेफ की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे, सैमुअल एड्रियन जोसेफ, ग्लोरी और इवाना टोप्पो को प्रभु की आशीष मिले, क्रिस्टीना और बोआस टेटेक की को आत्मिक चंगाई मिले, माइकल ओहोल को चंगाई मिली है इसलिए प्रभु उनके परिवार में सुख शांति बनाए रखे धन्यवाद देते हैं, डैरल फर्नांडिस, गॉडविन डिमेलो और वेलिंसन डिमेलो की आत्मा की शांति के लिए, इलियास कुल्लू, मरियम टेटे, फेलिसिया क्रिकेटा की आत्मा की शांति के लिए, और पॉल मसी के परिवार की ओर से धन्यवाद का ये बलिदान अर्पित करते हैं। मैं पुनः एक बार आप सभी लोगों को प्रभु की पवित्र वेदी पर समर्पित करता हूँ, हमारी सारी योजनाएं प्रभु को समर्पित करता हूँ, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम योग्य रीति से भाग लें। आइए अपने आप को तैयार करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु ने हमें सुंदर दिन दिया है, सारी सृष्टि के साथ मिलकर हम उसकी महिमा करें। इस पृथ्वी पर सृजित किया हुआ हर एक प्राणी अपनी अपनी आवाज में पवित्र त्रित्व की स्तुति करता और धन्यवाद देता है। आइए सृष्टि के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम भी प्रभु को धन्य कहें। स्तोत्रकार कहता है, धन्यवाद करना कृतज्ञ हृदयों के लिए शोभन है।
आज का दिन हमारे लिए प्रभु आशीषों का दिन, बरकतों का दिन जो उसने प्रदान किया है, पूरे दिन भर में हमें आशीष मिलती रहे और वो हमारी अगुवाई करे। इन विशेष मतलबों को ध्यान में रखते हुए आइए हम अपने गुनाहों के लिए तौबा करें, प्रभु से क्षमा की याचना करें। जाने अनजाने में जब हमने ईश्वर का बोध खो दिया था, जानते हुए भी उसकी बातों को सुनने नहीं चाहा, उन बातों के लिए, उन कमियों कमजोरियों के लिए हम क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। महिमा भूमंडल के मानव को शांति
मिले समाधान, जन मिल कर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान, हम तेरा गुण गाते धन्य तुझे कहते, हम तेरा गुण गाते धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते, जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान, परम पिता प्रभु ईश्वर स्वर्ग धरा के स्वामी, परम पिता प्रभु ईश्वर स्वर्ग धरा के स्वामी, भूबलशाली पिता हमारे महिमा तेरी हो वे, जन मिल कर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान, हे प्रभु यीशु मसीहा सुख परमेश्वर के, हे प्रभु यीशु मसीहा सुख परमेश्वर के, आप जगत के हरने वाले विनती हमारी सुन, सब जन मिल कर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान, प्रभु परमेश्वर केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे महिमा तेरी ओबे, सब जन मिल कर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान, शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपने अनादि वचन और पवित्र आत्मा को संसार में भेजकर मानव जाति पर अपना अद्भुत रहस्य प्रकट किया, ऐसी कृपा कर कि हम शाश्वत त्रित्व में सच्चा विश्वास प्रकट करें और तेरी प्रतापी एकता की आराधना करें। तेरी इस प्रजा पर दया दृष्टि डाल जो ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रही है, अपने अपने परिवारों में एकत्र होकर तेरा धन्यवाद करती है। यह तेरा आदेश है कि प्रभु का दिन पवित्र रखो, इसी आदेश के अनुसार हम तेरा वचन सुनने और तुझे ग्रहण करने के लिए तेरी वेदी के सामने उपस्थित हुए हैं। हे प्रभु, परम पवित्र त्रित्व की एकता और सामर्थ्य से हमारी इस दुनिया से और देश से महामारी और विपत्तियों को समाप्त कर दे और अपनी प्रजा के हृदयों में शांति, एकता और चंगाई का एवं नवजीवन का संचार कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा,
जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके होंठों को शुद्ध करें, आपको शक्ति दे जिससे आप परमेश्वर का वचन सुना सकें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ, मूसा यहूदियों को समझाते हैं कि उन्हें इस बात पर गौरव होना चाहिए कि वे ईश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं। वे ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें ताकि वे प्रतिज्ञात देश तक पहुंच जाएं। हमें यह याद रहे कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने पर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 वचन 32 से 34, 39 से 40। ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं। मूसा ने इसराइलियों से कहा, ईश्वर ने जब पृथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि की थी, तुम सबसे लेकर अपने पहले के प्राचीन युगों का हाल पूछो। क्या पृथ्वी के एक शोर से दूसरे शोर तक कभी इतनी अद्भुत घटना हुई थी? क्या इस प्रकार की बात कभी सुनने में आई है? क्या और कोई राष्ट्र है जिसने तुम लोगों की तरह अग्नि में से बोलते हुए ईश्वर की वाणी सुनी और जीवित बच गए हों? ईश्वर ने आतंक दिखाकर विपत्तियों, चिन्हों, चमत्कारों और युद्धों के माध्यम से अपने सामर्थ्य तथा बाहुबल द्वारा तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लिया है। यह सब तुमने अपनी आंखों से देखा है। क्या और कोई ऐसा ईश्वर है जिसने इस तरह किसी दूसरे राष्ट्र में से अपना राष्ट्र चुन लिया हो? आज यह जान लो और इस पर मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं। मैं तुम लोगों को आज उसके नियम और आदेश सुनाता हूँ, तुम उनका पालन किया करो, जिससे जो देश तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें सदा के लिए देने वाला है, उसमें तुमको और तुम्हारे पुत्रों को सुख शांति तथा लंबी आयु मिल सके। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हमारे साथ
दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्र का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं, वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोग दास के महत्वपूर्ण नहीं जानते, जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्र का महत्वपूर्ण मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देती है कि हम सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। यदि हम उसके संतान हैं तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ उसकी विरासत के भागी हैं। यदि हम उसके साथ दुख भोगते हैं तो हम उसके साथ विरासत मेहमानवित भी हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा उस ईश्वर को जो है, जो था और जो आने वाला है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ग्यारह शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहाँ यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्ट तेरी स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। लूकस का सुसमाचार। लूकस का सुसमाचार। अध्याय तीन। अध्याय तीन। पद संख्या 21 और 22। पद संख्या 21 और 22। सारी जनता को। सारी जनता को। बपतिस्मा मिल जाने के बाद। बपतिस्मा मिल जाने के बाद। ईसा ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। ईसा ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। इसे ग्रहण करने के बाद। इसे ग्रहण करने के बाद। वो प्रार्थना कर ही रहे थे। वो प्रार्थना कर ही रहे थे। स्वर्ग खुल गया। स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा कपोत जैसे। पवित्र आत्मा कपोत जैसे। शरीर के रूप में उन पर उतरा। शरीर के रूप में उन पर उतरा। और स्वर्ग से ये वाणी सुनाई दी। और स्वर्ग से ये वाणी सुनाई दी। तू मेरा प्रिय पुत्र है। तू मेरा प्रिय पुत्र है। मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु। हे प्रभु
आज के वचन को समझने का मुझे सामर्थ्य प्रदान कीजिए, पवित्र तत्व की एकता का रहस्य जानने के लिए, पवित्र आत्मा का ज्ञान मुझे प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, माता कलीसिया आज परम पवित्र त्रित्व का महापर्व मनाती हैं और कलीसिया की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हमारे विश्वास का आधार ही पवित्र त्रित्व है। तो पवित्र त्रित्व के बारे में हमारा ज्ञान पवित्र धर्म ग्रंथ में वर्णित जितनी भी बातें हैं उन पर आधारित हैं। हमारी धर्म शिक्षा में हमें सिखाया जाता है कि हमारे धर्म की चार बड़ी सच्चाइयों में से एक यह भी है कि केवल एक ईश्वर है और एक ईश्वर में तीन व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इस परम सच्चाई के बारे में यह भी सत्य है कि पवित्र त्रित्व के इस रहस्य को समझना हम मनुष्यों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा सीमित हैं, जो फाइनाइट बीइंग्स हैं और वो इन्फिनिट बीइंग को नहीं समझ सकते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, ये मनुष्य के लिए इस रहस्य को समझना मुश्किल है। क्योंकि माता कलीसिया हमें सिखाती है कि तीनों एक ही ईश्वर हैं और तीनों सिर्फ एक ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से एक दूसरे से भिन्न एवं अलग अलग व्यक्ति हैं। मनुष्य की सृष्टि जब ईश्वर ने की तो हम वचन में पढ़ते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, हृदयों की थाह लेता है और आत्मा उसके रहस्यों को जानता है और वह उनको प्रकट करता है, उसकी योजनाओं को पूरा करता है, वह सर्वशक्तिमान है। तो वहीं दूसरी ओर मनुष्य का ज्ञान, उसकी शक्ति, उसकी क्षमता बहुत अधिक सीमित है। तो इस सीमित क्षमता के साथ उस असीम ईश्वर एवं सृष्टिकर्ता के रहस्य को पूर्ण रूप से समझना असंभव सी बात है। पवित्र आत्मा जिन पर उतरता और अपने आप को प्रकट करता है वे इस रहस्य को समझ सकते हैं और इस रहस्य को प्रभु यीशु ने, प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमें कहता है कि जाना, जबकि वह योहन के सुसमाचार में स्वयं कहते हैं कि कोई भी पिता को नहीं जानता, पुत्र के अलावा कोई भी पिता को नहीं जानता, क्योंकि पुत्र तो उससे प्रसृत होता है, उसकी शुरुआत उससे होती है। सृष्टि के आरंभ से ही हम पढ़ते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, कि वह आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। तो पवित्र त्रित्व के रहस्य को समझने की जो कठिनाई थी उसके विषय में संत अगस्तीन की एक लोकप्रिय कहानी, जिसे हम लगभग हर ट्रिनिटी संडे या परम पवित्र त्रित्व के पर्व पर सुनते हैं, वो कुछ इस प्रकार है कि संत अगस्तीन लगभग 30 वर्षों तक ईश शास्त्र के और इस पवित्र त्रित्व के अध्ययन में व्यस्त थे और वह इस रहस्य को समझने का प्रयास कर रहे थे। तो इसी कशमकश में एक दिन प्रातः वह मनन चिंतन करते हुए समुद्र के किनारे टहल रहे थे। टहलते टहलते उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक एक सिप्पी में समुद्र से थोड़ा पानी लेकर आता है और उसको एक छोटे से गड्ढे में डालने का प्रयास करता है। वो ऐसा ही करता है, बार बार जाता है समुद्र में से पानी भरकर उस सिप्पी में लेकर आता और वहां पर एक गड्ढा करके उसमें डालने की कोशिश कर रहा था।
जब संत अगस्तीन वहां से निकलते हैं तो वह उस मालक को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वह उससे पूछते हैं, ए बालक क्या कर रहे हो? तो वह जवाब देता है, महोदय मैं इस समुद्र का पानी इस छोटे से गड्ढे में खाली करना चाहता हूं। अगस्तीन को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस आश्चर्य के साथ उस बालक से पूछा, क्या तुम समझते हो कि यह संभव बात है कि तुम समुद्र का पानी इस गड्ढे में खाली कर सकते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, आप भी तो कुछ ऐसा ही करने का प्रयास कर रहे हैं। आप एक ऐसे रहस्य को अपनी छोटी से बुद्धि से, जो कि सीमित है, आप एक ऐसे महान रहस्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं जो कि समझा नहीं जा सकता है। और इतना कहकर वो अंतर्ध्यान हो जाता है बालक। तो संत अगस्तीन इस घटना की और इसके विषय में, इस अनुभव के विषय में वो बताते हैं कि पवित्र स्वर्गदूत उनके सामने उपस्थित होता है बालक के रूप में और अगस्तीन को ये आभास कराता है कि जिस रहस्य को वो समझने का प्रयास कर रहा है, ना केवल वो मुश्किल है परंतु वो नामुमकिन है। परंतु पिता जिन पर अपने रहस्यों को प्रकट करता है, जो पवित्र आत्मा से संचालित होते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, वह उन्हें अनुभव प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया, और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, आप पर पड़ेगी। जो आपसे उत्पन्न होंगे, जो आपसे उत्पन्न होंगे, वे पवित्र होंगे, वे पवित्र होंगे, और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, और वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया जब तक मनुष्य पर ना पड़े, तब तक उसके जीवन में ईश्वर की ओर से कुछ भी नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे कि अगर ये इतना बड़ा रहस्य है तो हम इसे कैसे जान सकते हैं? तो प्रिय भाइयों और बहनों, इस एकता को, इस यूनिटी को जानने के लिए अनेक उदाहरण दिए गए, लेकिन वे उदाहरण अपने आप में पर्याप्त नहीं थे। चर्च फादर्स की रीडिंग्स या उनके शिक्षा के विषय में जब हम पढ़ेंगे तो अनेक फादर्स ने, टर्टुलियन ने, आयरेनियस ने और अन्य जितने भी ईश शास्त्री रहे, उन्होंने इस रहस्य को समझने और समझाने का प्रयास किया। तो आपके लिए और मेरे लिए, जिनकी शिक्षा सीमित है, कुछ एक उदाहरण हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि किस तरह से पवित्र त्रित्व की एकता बरकरार रहती है, किस तरह से एक ईश्वर में तीन व्यक्ति रह सकते हैं। और उसमें कुछ एक उदाहरण इस प्रकार से प्रकट किए जाते हैं और वो ये है कि जिस तरह पानी और बर्फ दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। हालांकि पानी तीन रूपों में रह सकता है, भाप के रूप में, बर्फ के रूप में और स्वयं पानी के रूप में वो रह सकता है, लेकिन थियोलॉजियंस के द्वारा फिर भी, प्यारे भाइयों और बहनों, ये बात डिबेटेबल है, अर्थात इस पर और अधिक गहराई से मनन चिंतन किया जा सकता है पवित्र त्रित्व के रहस्य को समझने के लिए। बच्चों के लिए स्कूल में एक छोटा उदाहरण देकर समझाया जा सकता है कि आप लोगों ने
गुलाब का फूल देखा है। गुलाब के फूल की जो सुगंध है उसको आप उसकी सुगंध से अलग नहीं कर सकते हैं। यदि गुलाब है तो उसमें गुलाब की सुगंध स्थिर रहेगी और वो उससे अलग नहीं की जा सकती है। एक और सुंदर उदाहरण हम दे सकते हैं पवित्र त्रित्व की एकता को दर्शाने के लिए कि वो किस तरह एक रूप रहते हैं। और गुलाब में प्यारे भाइयों और बहनों सुगंध है और सुगंध में ही गुलाब है, पानी में ही बर्फ है और बर्फ में ही पानी है। इसी तरह हम एक सूरज का उदाहरण देते हैं कि सूरज अपने आप में एक आग का गोला है, परंतु जब उसकी किरण उससे निकलती है तो हम उसे उससे अलग नहीं कर सकते हैं। सूरज की किरण उसी में है और प्यारे भाइयों और बहनों वहीं से वो प्रतिपादित होता है। तो ऐसे महान छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा हम इस एकता को समझ सकते हैं। लेकिन इन महान रहस्यों को समझने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम मनुष्यों पर होना आवश्यक है। तो पवित्र बाइबल का अध्ययन करने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों जन पिता पुत्र और पवित्र आत्मा अलग अलग हैं और अलग अलग समय पर सक्रिय हैं। पुराने व्यवस्थान में हम सिर्फ पढ़ते हैं कि ईश्वर ही सक्रिय था। यदि आपने देखा होगा आरंभ से लेकर पुरानी व्यवस्था के अंत तक नबी मलाकी के ग्रंथ तक स्वयं पिता ईश्वर सक्रिय रूप से वो कार्य करते आए, लोगों को चुनते आए, लोगों के आगे आगे चलते रहे। जैसा कि वचन में हम पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ में, निर्गमन ग्रंथ में, कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारे आगे अपने दूत को भेजूंगा। अर्थात स्वयं पिता परमेश्वर इस बात की जवाबदेही उठाते हैं कि वो इस दुनिया को अपने नबियों के द्वारा प्रायश्चित का संदेश सुनाकर अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें फिर से उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये हम पुरानी व्यवस्था में पढ़ते हैं। दूसरा युग नई व्यवस्था में प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु येसु का युग था, जो स्वयं पवित्र आत्मा से प्रसृत होते और इस दुनिया में आकर वे हमारे बीच में सेवकाई की और उन्होंने पिता के कार्यों को संपन्न किया। इनकी एकता को कैसे दर्शाया जा सकता है? प्रभु येसु बार बार इस बात को स्पष्ट करते हैं, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में हो, मैं जो भी कहता हूं वही कहता हूं कि जो मैं पिता से सुनता हूं, मैंने वही किया जो मैंने पिता से सुना था, मैंने इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं तीसरे दिन इसे फिर से खड़ा कर दूंगा। और वो अपने शरीर के विषय में बात करते हैं। पिलातुस के सामने वो इस एकता को पुनः प्रकट करते हैं कि अगर मेरे पिता की ओर से तुमको ये अधिकार नहीं दिया गया होता तो तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। तो अगर बाइबल का हम गहराई से अध्ययन करने के लिए बैठेंगे, मनन चिंतन करने के लिए बैठेंगे, तो प्यारे भाइयों और बहनों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तमाम ऐसे वचन पवित्र त्रित्व की एकता को सिद्ध करते हैं। हालांकि पवित्र त्रित्व का एक्सप्लिसिट नाम पवित्र ग्रंथ में कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग बाइबल की पुस्तकों में हमें इस बात की चर्चा अवश्य मिलती है। जबकि कुरिन्थियों का पत्र, योएल का पत्र और यशायाह नबी का पत्र ग्रंथ, उसमें हम इन विषयों में पढ़ते हैं। तो आरंभ से ही प्यारे भाइयों और बहनों जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो इब्राहिम को बुलावा मिला, या मिश्र की दास्ता से इसराइलियों को बाहर निकालने की जब बात हुई, या फिर मूसा को जब झाड़ी में परमेश्वर ने बातें की, तो हमें इस बात से प्रतीत होता है और पता चलता है कि परमेश्वर स्वयं पुरानी व्यवस्था में वो कार्य करते आए। हालेलुया,
हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद हे प्रभु यीशु इस वचन को आत्मसात करने के लिए इस वचन को आत्मसात करने के लिए इस रहस्य पर मनन चिंतन करने के लिए इस रहस्य पर मनन चिंतन करने के लिए मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे पवित्र आत्मा सामर्थ्य प्रदान कीजिए सामर्थ्य प्रदान कीजिए हालेलुया 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 तो जब पिता ईश्वर इस दुनिया की रचना करते हैं तो हमें तीनों के दर्शन होते हैं। जब पिता ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की तो इसमें हमें तीनों के दर्शन होते हैं। वचन में लिखा है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1:2 अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। आत्मा भी प्रारंभ से विद्यमान था और संत योहन के सुसमाचार के प्रारंभ में हम पढ़ते हैं कि आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। योहन का सुसमाचार अध्याय 1:1। और आगे हम पढ़ते हैं कि सब कुछ शब्द के द्वारा उत्पन्न हुआ, यानी कि सृष्टि के पहले कार्य से ही हर कार्य में वे एक साथ हैं। तो प्रभु यीशु के मिशन के प्रारंभ में भी हम तीनों को एक साथ देखते हैं। जैसा कि मैंने मिसा के आरंभ में एक वचन पढ़ा था लूकस का सुसमाचार अध्याय 3:21-22 जहां पर हमें पवित्र त्रित्व की एकता का दर्शन मिलता है कि जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ सबके बपतिस्मा लेने के बाद वे यर्दन में उतरे और उन्होंने योहन से बपतिस्मा ग्रहण किया, स्वर्ग खुल गया जैसा कि वचन में लिखा है, आत्मा कपोत के रूप में उतरा और तुरंत वहां से स्वर्ग से ये वाणी सुनाई पड़ी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। तो इससे पता चलता है कि तीनों की एकता प्यारे भाइयों और बहनों इतनी ज्यादा है कि हम उन्हें उनसे अलग नहीं कर सकते हैं। अगर यीशु मसीह पवित्र आत्मा से उत्पन्न था तो पवित्र आत्मा के द्वारा उनका प्रकटीकरण होना अनिवार्य था। ट्रांसफिगरेशन के समय जब हम वचन में पढ़ते हैं कि जब प्रभु का रूपांतरण हुआ तो पिता ने इस बात को चेलों के सामने स्पष्ट किया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम इसकी सुनो। प्यारे भाइयों और बहनों, वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही यीशु मसीह को कब्र में से निकाला गया, अर्थात पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ईसा पुनर्जीवित हो उठे। हालेलुया हालेलुया यीशु की स्तुति हो यीशु की स्तुति हे प्रभु यीशु आज के इस महान रहस्य को मेरे जीवन में प्रकट होने दे। हालेलुया 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 हालेलुया। तो इस बात से हमें स्पष्ट होता है इन वचनों से प्यारे भाइयों और बहनों कि पिता पुत्र में है और पुत्र पिता में है और पवित्र आत्मा पुत्र में है और वो पिता का आत्मा है जो इस दुनिया में प्यारे भाइयों और बहनों काम करता है। इसलिए आरंभ से ही ये भविष्यवाणी की गई थी जैसा कि नबी यशाया में बताता है कि प्रभु का वचन कहता है कि उसका आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं बंदियों को रिहाई दूं, दरिद्रों को सुसमाचार का संदेश सुनाऊं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष मैं घोषित करूं। तो मेरे पिता का कार्य पूरा करने के लिए ही मैं यहां पर उतरा हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, इन सारी शिक्षाओं के विषय में कोई दूसरी राय नहीं हो सकती, यह कैथोलिक चर्च हमें सिखाता है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के रहस्य को समझना और उसे स्वीकार करना यह कलीसिया की शिक्षा हमें सिखाती है। तो हमारे विश्वास का आधार प्यारे भाइयों और बहनों पवित्र आत्मा है, वो पवित्र त्रित्व पर आधारित है। तो हम पवित्र त्रित्व के नाम में ही बपतिस्मा ग्रहण कर ईश्वर की संतान एवं
कलीसिया के सदस्य बनते हैं। तो पवित्र त्रित्व के नाम से हमारे सब कार्य प्रारंभ और पूर्णता तक पहुंचते हैं। हमारी सारी प्रार्थनाएं इसी पवित्र त्रित्व के नाम पर शुरू होती और समाप्त होती हैं। तो पवित्र त्रित्व ये तीन व्यक्तियों का समागम है, जैसे मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो ये तीन व्यक्तियों का एक साथ समागम, प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ और स्पष्ट रूप से अगर वचन को आप जानेंगे और सुनेंगे तो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय एक पद संख्या एक में वचन में लिखा है कि ईश्वर का आत्मा संसार में अताह गर्त अंधकार पर मंडराता रहता था। एक दूसरा रेफरेंस इनकी एकता को दर्शाता है और वो ये है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय तीन पद संख्या 22 वचन में ये लिखा है, भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य हमारे सदृश बन गया है। भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य मेरे सदृश नहीं बन गया, हमारे सदृश बन गया। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा, हालांकि भाषा सीमित है प्यारे भाई और बहनों, परंतु यहां पर ईश्वर को बहुवचन में रखा गया है। ईश्वर के विषय में बहुवचन की संज्ञा देते हुए उनके विषय में बताने का प्रयास किया गया है। लिखा है अध्याय तीन पद संख्या 22 में, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय तीन पद संख्या 22, प्रभु ईश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। उसने कहा, भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य हमारे सदृश बन गया है, कहीं ऐसा ना हो कि वह जीवन वृक्ष का फल तोड़कर खाए और अमर हो जाए। एक दूसरा उदाहरण, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 7, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 7, इसलिए हम उतरकर उनकी भाषा में ऐसी उलझन पैदा करें कि वे एक दूसरे को ना समझ पाए। फिर से आपने ध्यान दिया होगा कि बहुवचन संज्ञा के रूप में यहां पर इस्तेमाल किया गया है। जब बाबुल की मीनार बनाई जा रही थी, लोग एक ही राष्ट्र के थे और वो एक लंबी सीढ़ी बनाकर उसे आसमान तक पहुंचना चाहते थे, तो लिखा है पद संख्या 5 से हम पढ़ेंगे, तब ईश्वर उतर कर वह शहर और मीनार देखने आया जिन्हें मनुष्य बना रहे थे, और उसने कहा, वे सब एक ही राष्ट्र हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, यह तो उनके कार्यों का आरंभ मात्र है, आगे चलकर वे जो कुछ भी करना चाहेंगे वह उनके लिए असंभव नहीं होगा, इसलिए हम उतर कर उनकी भाषा में उलझन पैदा करें कि वे एक दूसरे को ना समझ पाए। इस प्रकार ईश्वर ने उन्हें वहां से सारी पृथ्वी पर बिखेरा और उन्होंने अपने शहर का निर्माण अधूरा छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा उदाहरण मैंने आपको दिया लूकस के सुसमाचार से, मत्ती का सुसमाचार भी इसी बात को स्पष्ट करता है और पवित्र त्रित्व की एकता को दर्शाता है। अध्याय तीन पद संख्या 16, मत्ती का सुसमाचार अध्याय तीन पद संख्या 16, बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले, उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर के आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा, और यह स्वर्ग से वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु, मैं आज के इस वचन को, मैं आज इस वचन को अपने जीवन में, अपने जीवन में धारण कर सकूं, चरित्रार्थ कर सकूं, मेरी सहायता कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, यूं तो ये बातें सारी डिबेटेबल हैं, अनेक लोग अनेक प्रकार से इन वचनों पर मनन चिंतन करते हुए इन वचनों के विषय में वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है कि
हमें इन सारी बातों पर मनन वाद विवाद ना करके ईश्वर के रहस्य को उस पर विश्वास करके प्यारे भाइयों और बहनों उसकी आशीष को ग्रहण करना। और इसके विषय में संत पौलुस एक सुंदर वचन हमें देता है तिमोथी के नाम दूसरे पत्र में, तिमोथी के नाम दूसरे पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 23 और उससे आगे, निरर्थक तथा ऊट पटांग विवादों से अलग रहो, तुम जानते हो कि इनसे झगड़ा पैदा होता है और प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं बल्कि मिलनसार और सहनशील होना चाहिए, वह शिक्षा देने के लिए तैयार रहे ना कि वाद विवाद करने के लिए। एक दूसरा वचन अध्याय 2 पद संख्या 16 तिमथी के नाम दूसरा पत्र, लौकिक और व्यर्थ बकवाद से आप दूर रहें, जो लोग उसमें लगे रहते हैं वे धर्म के मार्ग से दूर भटकेंगे, वे धर्म के मार्ग से दूर भटकेंगे। तो परमेश्वर आज हमें सिखाना चाहता है कि उसकी कही हुई एक एक बात अटल है, उसका कहा हुआ एक एक वचन पूरा होकर रहेगा, उसकी एक भी मात्रा और बिंदु नहीं टल सकता। यह किसी मनुष्य की बात नहीं परंतु परमेश्वर के द्वारा प्रेरणा से लिखा गया ये धर्म शास्त्र इस बात की गवाही देता है कि आप लौकिक और व्यर्थ बकवाद से दूर रहें, क्योंकि जो इनमें फंस जाते हैं, जो व्यर्थ की बातें करते हैं, माता मरियम को स्वर्ग में क्यों स्थान मिलना चाहिए, ये तीन लोग एक ईश्वर में कैसे रह सकते हैं, ये कभी विश्वासी नहीं बन सकते प्यारे भाई और बहनों, ये कभी भी आशावादी नहीं बन सकते। और मैंने आपसे कई अवसरों पर यह कहा और हम जानते हैं क्योंकि वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि क्रिश्चियनिटी इज द रिलीजन ऑफ होप माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारी मसीहत एक ऐसी आशा की यात्रा है जिसे हम सोचते हैं कि हमारे लिए वो पुरस्कार वहां पर रखे गए हैं जिसे हम नहीं देखते हैं परंतु हम उन्हें अनुभव करते हैं और विश्वास करते हैं कि वो हमें एक दिन मिल जाएंगे। बोले आमेन, आमेन। तो संत पौलुस लिखता है कि आप लोग इन बातों के वाद विवाद से बचते रहें, डिबेट से बचते रहें, सिर्फ और सिर्फ विश्वास करें और उनकी बातों का प्रभाव। देखिए जो ऊटपटांग वाद विवाद करते, जो इनको समझना नहीं चाहते, जो इस रहस्य पर विश्वास नहीं करना चाहते, संत पौलुस लिखता है उनकी बातों का प्रभाव नासूर की तरह फैल जाता है, नासूर की तरह ना केवल उन्हें प्रभावित करता है परंतु दूसरे सुनने वालों को भी वो प्रभावित करता है जो इस प्रकार के ऊटपटांग वाद विवाद करते और लोगों को इन रहस्यों पर विश्वास करने से रोकते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनका प्रभाव नासूर की तरह फैल जाता है। और उनमें से एक व्यक्ति की चर्चा की गई, पौलुस कहता है उन लोगों में हुमैनुस और फिलेतुस ये दो व्यक्ति थे प्यारे भाई और बहनों। तो जो ये कहकर सच्चाई से दूर भटक गए कि हमारा पुनरुत्थान हो चुका है, इस प्रकार वे कुछ लोगों के विश्वास में बाधा पहुंचाते थे। हुमैनुस और फिलेतुस कहते थे हमें जरूरत नहीं किसी बात की, हमें यह रहस्य जानने की जरूरत नहीं, हमारा तो क्या हो चुका है, पुनरुत्थान ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन आपको वचन याद होगा प्रभु के पास जब निकोदिमुस आता है तो निकोदिमुस भी इस रहस्य को समझने में असमर्थ था, तो ईसा ने उससे क्या कहा, देखो निकोदिमुस जब तक तुम दोबारा जन्म ना ले लो तब तक तुम इस रहस्य को नहीं समझ सकते। तो वो आश्चर्यचकित होता,
अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं क्या दोबारा अपनी माँ के गर्भ में जाऊंगा और पैदा होऊंगा? नो नो नो, वो कहते नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा तुमको बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। जब मैं ये बात कहता हूं कि पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तो वो बात ये है कि पवित्र आत्मा के वरदानों से भरपूर होने की आवश्यकता है, और उसके वरदानों में से एक वरदान भाषा की और वचन की व्याख्या करने का वरदान है, जो आपको इस तथ्य को, इस रहस्य को समझने में सहायता करेगा कि किस तरह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक रह सकते हैं। हालांकि वो तीनों अलग हैं, लेकिन एकता में वो कैसे रह सकते हैं, ये केवल और केवल पवित्र आत्मा हम पर प्रकट कर सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमें आशीष प्रदान करें और पवित्र आत्मा के द्वारा इस रहस्य को जानने, समझने और उसको आत्मसात करने की कृपा दे। आमीन। हम सब खड़े होकर अपना विश्वास प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुमारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रियजनों, प्रभु का आदेश पालन करते हुए आज के ये हुक्म पर्व का बलिदान अर्पित करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। आज के इस महान त्यौहार के अवसर पर हम प्रार्थना करें कि प्रभु कलीसिया के मुख्य चरवाहे संत पिता फ्रांसिस, धर्माध्यक्षों, याजकों और सभी सेवा करने वाले लोगों को, जो मंदिर में सेवा करते धर्म संगियों को, प्रभु की आत्मा के द्वारा रहस्यों को जानने, समझने और उन्हें अनुभव करके अपने जीवन में आत्मसात करने की कृपा प्रदान करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम लोग और माता कलीसिया पवित्र त्रित्व का पर्व मना रही है। पवित्र त्रित्व यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हमारा दिन, हमारा जीवन इसी से शुरू होता है और इसी में हमारा जीवन खत्म होता है, और हमारी आत्मा तेरे हाथों में समर्पित की जाती है। आज हम ये पवित्र त्रित्व का पर्व मनाते समय हम आशीष और कृपा मांगते हैं। जिस प्रकार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में एकता है, आपसी प्यार है, एक दूसरे के लिए प्यार और प्रेम प्रस्फुटित होता है, उसी प्रकार हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे परिवारों में, पति पत्नी और बच्चों में भी इसी तरीके का प्यार, एकता हमेशा बनी रहे, ताकि तेरी कृपा हमेशा मिलती रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं बेसहारा लोगों के लिए जो परेशान है, खासतौर पर इस लॉकडाउन के अवसर पर अलग अलग रीति से आर्थिक तंगी या मानसिक परेशानियां, तनाव या आध्यात्मिक रीति से उनको प्रार्थना करने के लिए समय नहीं मिल रहा है, या प्रार्थना करने के लिए चर्च वो लोग नहीं आ सकते हैं। कुछ लोग जो बुजुर्ग हैं और कुछ लोग जो पीड़ित हैं, बीमार हैं, उन सब लोगों के लिए हे प्रभु हम तेरे चरणों में रखते हैं। तू दया करने वाला, करुणा दिखाने वाला पिता परमेश्वर है। इन पर दया करके अपनी कृपा और आशीष प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं सभी पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, और इस कोरोना काल में जिन लोक धर्मियों ने अपनी जान गंवाई है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर। साथ ही साथ इस वक्त जो कलीसिया के लोग, लोक धर्मी, पुरोहित, धर्म बहनें जो भी बीमार हैं,
खासतौर पर अस्पताल में और वेंटिलेटर में आईसीयू में पड़े हुए हैं, प्रभु उनको छू ले और उनको स्पर्श करके उनको चंगाई प्रदान कर, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम सारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। चर्च, बहुत सारे चर्च गिरजाघर बंद हैं लॉकडाउन की वजह से। लोग आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते हैं, अपने अपने घरों में कैद हैं। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने अपने घर को, अपने अपने परिवार को एक कलीसिया बनाएं और वहाँ पे एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे के साथ शांति शांत तरीके से रहते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे में प्रेम और शांति में रहते हुए वो लोग कलीसिया अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवारों में बनाएं और वहाँ पे तेरी आशीष और बरकत हो, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता, सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, हृदयों की थाह लेने वाले ईश्वर, तू हमारे जीवन में तमाम आशीषें और बरकतें देता रहता है। हे प्रभु, हम निवेदन करते हैं आज हमारे जीवन में तेरी आशीष बनी रहे, इन बच्चों के जीवन में जो इस वक्त तेरा वचन सुनते और इस पवित्र बलिदान में भाग लेते हैं, तेरा सत्य का आत्मा अपने सामर्थ्य को प्रकट करे जिससे ये अपने विश्वास में दृढ़ होते जाएं। ये प्रार्थना सुनो उद्धार करता हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। Thank you.
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे, प्रभु अपने नाम के स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु ईश्वर, हम तेरे नाम की दुहाई देते हैं, हमारी सेवा की यह भेंट पवित्र कर दे और इसके प्रभाव से हमें अपना अनंत उपहार बना ले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, ये उचित न्याय संगत। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू अपने इकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर तथा एक प्रभु है। तू व्यक्ति की दृष्टि से नहीं बल्कि तत्व की दृष्टि से त्रिएक है। हम विश्वास करते हैं कि जो महिमा तूने अपने विषय में प्रकट की है वही तेरे पुत्र और पवित्र आत्मा की भी है। इस कारण सत्य और शाश्वत ईश्वर में विश्वास की घोषणा द्वारा व्यक्तियों की पृथकता, तत्व की एकता और प्रताप की समता में तेरी आराधना की जाती है। इसलिए दूत और महादूत, केरुबिम और सेराफिम दिन रात एक स्वर से तेरा स्तुति गान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जो घुटना टेक सकते हैं टेकें, जो खड़े रह सकते हैं खड़े हो जाएं। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे,
क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। आराधना करें प्रभु यीशु की, आराधना करें। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। आराधना करें प्रभु यीशु की, आराधना करें। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्ति प्रद दुख भोग प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे ये जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है, ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की ये बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस रैंथनी, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को भी जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे
और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें, हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्राइस्ट के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्राइस्ट फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्राइस्ट, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्राइस्ट ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6। आप लोग ईश्वर की संतान हैं, इसलिए ईश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा आपके हृदयों में भेज दिया है। वह आत्मा पुकार कर कहता है, अब्बा हे पिता। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हम शाश्वत पवित्र त्रित्व की एकता और अखंडता में दृढ़ विश्वास करते हैं। यह संस्कार ग्रहण करके हम शरीर तथा आत्मा में स्वस्थ बने रहें, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। आपका दिन शुभ हो। प्रभु आपको आशीष दें। मैनू बरकत दे, मेरा सदा तेरी महिमा।
सुजी 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 सु